आज का ये आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ सीखने को इसमें आपको मिलेगा। जो आप डिजिटल भारत की बात करते रहते हैं, उस पर भी आपको कई पक्ष देखने को मिलेंगे। आपको ये आपका डिजिटल विश्व के निर्माण का अवसर किस तरह से बात की जा रही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं आपके, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था के घटक क्या क्या हैं, इसके आधार क्या क्या हैं, उसे भी देखेंगे। और बिग डेटा क्या है, डिजिटल नवाचार का केंद्र भारत किस तरह से, इस पर भी बात करेंगे। भारत के डिजिटलीकरण में समस्याएं यानी कि बाधाएं यानी कि चिंताएं, सीमाएं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें समस्याएं आखिर कहाँ आ रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, उसे भी देखेंगे। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में देखा है आपने कि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A का प्रयोग करते हुए चीनी चीनी द्वारा यानी कि चीन द्वारा निर्मित और संचालित 59 ऐप्स, ये आपके पहले की आंकड़े याद रखिए, 59 पहले बैन कर दिए थे। और उसके बाद आपने सुना होगा कि 47 और बैन किए गए। इनमें कौन कौन शामिल हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, सियरेट, कैम, स्कैनर इत्यादि शामिल थे, को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें आपने देखा होगा टिकटॉक के बारे में आपने सुना होगा, सियरेट और कैम स्कैनर, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था। इसका प्रयोग तो हर जो इस आपके यहाँ का जो भी टीचर होगा और स्टूडेंट होगा वो इसका अक्सर प्रयोग करता रहता था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के संबंधी विविधताओं को इस प्रतिबंध का आधार बताया। यानी कि क्यों किसी ने, जैसे आप सोचिए कि आपने 59 ऐप्स बैन किए, तो आपको मालूम हो तो होना चाहिए कि आपने क्यों किए, आपके पास कोई इस तरह का कारण तो होना चाहिए। तो सरकार ने बताया है कि सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर इसे प्रतिबंधित कर किया गया है, बैन। चूंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्व भी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में डेटा को हम 21वीं सदी की मुद्रा की संज्ञा दे सकते हैं। कई ऐप ऐसे हैं जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र लाभ डेटा संग्रह है। इंटरनेट आधारित इस व्यवसाय मॉडल को निगरानी पूंजीवाद कहा जाता है, जहां सभी सोशल मीडिया ऐप्स और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं से पैसे एकत्रित करने वाले अपने अपने डेटा का इस्तेमाल करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। भारत में प्रतिबंधित किए गए चीनी ऐप निगरानी पूंजीवाद का ही उदाहरण है। एक और बात आप लोगों को बताऊं, आप कहेंगे किस तरह से आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको पर्सनल जानकारी देनी होती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया। आप देखते हैं जीमेल की जरूरत पड़ती है, कई ऐप्स को आप तभी ओपन कर पाते हैं, उसमें तभी जानकारी देख पाते हैं जब आपको इस तरह की पूरी आपका डिटेल डालना पड़ता है, पूरी अपने बारे में जानकारी, तो उसी जानकारी यानी कि डेटा की बात की जा रही है। भारत के द्वारा चीनी उपकरणों पर लगाए गए प्रतिबंध से निश्चित ही वैश्विक बाजार में चीनी कंपनियों की साख नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। भारत के लिए यह एक अवसर के रूप में आया है। भारत को दीर्घकालीन रणनीति पर कार्य करते हुए डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ना होगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटल विश्व नेतृत्वकर्ता बन सकती है। आखिर बात करते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, जो बात होती रहती है डिजिटल इकोनॉमी की, आखिर है क्या। आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेन देन, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, अन्य डिजिटल माध्यम से किया जाता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाती है। डिजिटल सेवाएं 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब राष्ट्रीय या फिर वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्यिक लेन देन के लिए के अधिक पारंपरिक तरीके बाधित हुए हैं, तब डिजिटल सेवाओं से निर्मित हुए ऐसे अंतराल को भरने में सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं तथा खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई क्षेत्रों में विविध प्रकार के उत्पादों की पहुंच और वितरण को सक्षम बनाती हैं। सबसे नीचे का स्तर का उदाहरण आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी पूरी वाले भी आजकल पेटीएम रखने लगे हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे हैं। आप समझिए कि यह अर्थव्यवस्था किस तरह से आपकी
आप देखिए, आपके पास पैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको पेटीएम हुआ या डेबिट का इस तरह की कोई भी नेट बैंकिंग सुविधा है, आप पेमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब नोटों का काम खत्म होने की कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के घटक की अगर बात करें तो देश में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य घटकों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने वित्तीय समावेशन के साथ साथ डिजिटल आधारभूत संरचना के उपयोग को बढ़ावा दिया है। हाई स्पीड वाईफाई सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने की योजना ने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। दूसरा, इसमें आपके डिजिटल अर्थव्यवस्था का दूसरा चरण जो शामिल है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल कॉमर्स में वृद्धि हुई है। तकनीकी रूप से समझदार युवा पीढ़ी वस्तुओं की खरीद का सबसे सरल माध्यम ऑनलाइन खरीद को मानते हैं। इससे देश में ई कॉमर्स और ई एम कॉमर्स का विस्तार भी देखने को मिल रहा है। अब आपने देखा होगा कि आप नेट की सुविधा लगभग फ्री है, बहुत सस्ता डाटा मिलता है और मोबाइल भी बहुत सस्ते मिलने लगे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोग देखते हैं कि काफी हद तक लोग जागरूक हो चुके हैं। तीसरा, अगर हम लोग इसमें बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर डेटा की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह के डेटा को समझने और विश्लेषण करने की दौर से गुजर रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपना स्वयं का ओपन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां विश्लेषण के लिए डेटा उपलब्ध है। डेटा की निरंतरता बढ़ती जा रही है। मात्रा और रणनीतिक महत्व को देखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने में सहायता कर रही है। बिग डेटा क्या है आखिर? ये शब्द भी आप लोग सुनते रहते हैं आखिर। बिग डेटा एक वाक्यांश है जिसका उपयोग बहुत भारी मात्रा में संरचित और असंरचित डेटा के लिए किया जाता है, जो इतना बड़ा होता है कि पारंपरिक डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग करके इसकी प्रोसेसिंग करना बेहद मुश्किल होता है। बेहद उन्नत किस्म की कंप्यूटिंग और एल्गोरिथम के उपयोग द्वारा सोशल मीडिया से प्राप्त डेटा के माध्यम से ग्राहक का व्यवहार विश्लेषण और उसकी रुचि अरुचि का अनुमान लगाकर उद्योगों में बिग डेटा का उपयोग किया जाता है। फिर आपके डिजिटल नवाचार का केंद्र भारत किस तरह से है? डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढांचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। एक ऐसे विश्व में जहां अब भौगोलिक दूरियां बेहतर भविष्य के निर्माण में बाधा के रूप में नहीं रह गई, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। आप सोचिए कि एक समय हुआ करता था कि हम लोग कोई डाक टिकट भेज रहे हैं तो 5 से 7 दिन, आप सोच अगर कहीं विदेश में आपका कोई रिश्तेदार या कोई परिचित रह रहा है तो यहाँ से आप डाक टिकट भेजते होंगे तो 5 से 7 दिन पहुंचने में लगता होगा, उसके बाद 5 से 7 दिन आने में। और आप देखते हैं कि आज आप लोग ऑनलाइन मतलब वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं और किसी तरह से आपको तुरंत बात कर सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट के अंदर आपका सब काम खत्म हो जाता है। तो इसने हमें सोचिए कि डेटा ने जो भी आपकी डिजिटल इंडिया है या डिजिटल जो भी आपका साधन है, इन्होंने हमें पूरी दुनिया से एक परिवार की तरह जोड़ के रख दिया है, एक मोहल्ले की तरह आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े 1 लाख से अधिक गांव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, यानी कि आप समझ सकते हैं जितने आपके देश में जनसंख्या है उतनी ही लगभग मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं, लगभग 122 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। भारत में हाई स्पीड इंटरनेट 5G सेवा की शुरुआत 2020 में होने की संभावना है। 5G तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पर ब्राउजिंग तक सीमित नहीं रहेगा, यह स्वास्थ्य और कृषि कभी कभी इतने अच्छे आर्टिकल होते हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि लैपटॉप की बैटरी भी लो हो चुकी है। समझ में आया? और कभी कभी इतने बोरिंग होते हैं कि सोचते हैं कब खत्म हो ये आर्टिकल।
यह स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों से जुड़े क्षेत्रों में नई तकनीकी का विकास करने में भी सक्षम होगी। 5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और कम लेटेंसी होने के कारण यह सर्वर रहित एप्लीकेशंस, रिमोट कंट्रोल सर्जरी, कनेक्टेड स्मार्ट सिटी में भी उपयोगी साबित होगी। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है और कर भी रहा है। अभी भारत का लक्ष्य मनुष्य केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना है जो समावेशी तरीके से मानवता को फायदा पहुंचा सके, कठिन समस्याओं का हल ढूंढना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होना भारत के प्रमुख लक्ष्य में से एक है। वर्तमान में तकनीकी दक्ष अर्थव्यवस्था देश की विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। साइबर सुरक्षित भारत की 5G इंटरनेट तकनीकी विकासशील देशों के साथ संबंध निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगी। अब बात करने नहीं वाले हम लोग कि भारत में डिजिटल में समस्याएं में आखिर कौन सी आ रही हैं, यानी कि भारत के जो डिजिटलीकरण है इसमें समस्याएं बाधाएं आखिर कहाँ हैं। आवश्यक संरचना का अभाव, जो जरूरी संरचना है इसका अभाव देखा जाता है। एसोचैम और डेलाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत कठिनाइयों के चलते महत्वाकांक्षी डिजिटल पारिस्थितिकी का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में के मामले में अनेक चुनौतियां हैं। इसके अलावा बार बार नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाई पैदा करता है। डिजिटल पारिस्थितिकी के विकास के लिए सुदूर गांव में भी पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है। देश में अभी 50,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर सुविधा भी है तो आप सोचिए कि एक जागरूकता कम है यहाँ, तो जागरूकता आप देखते हैं नेटवर्क की भी या गांव की तरफ प्रॉब्लम होती है देखने को। इससे आप सोचिए कि ऑनलाइन जो भी आपकी शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है वो भी बाधित है इसी कारण से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी जागरूकता की कमी देखी गई है, दूसरी आप समझिए कि डेटा की प्रॉब्लम देखी जा रही है। साइबर सुरक्षा का मुद्दा, भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिए के लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं है। ATM कार्ड की क्लोनिंग के अलावा बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, डेटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाने की शिकायत समय समय पर सामने आती रहती है। आप लोग भी अक्सर इसको इन सबको चर्चा में देखते रहते हैं। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान शामिल नहीं किए जाएंगे तब तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी जो अपेक्षित है। असमानताओं में वृद्धि, सेवाओं के डिजिटल प्रावधान में सफलता कई अंतर्निहित कारकों पर निर्भर है जिसमें डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और स्थिर और तेज दूर संचार सेवाओं तक पहुंच शामिल है। इन मुद्दों पर का समाधान किए बिना सेवाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप मौजूदा असमानताओं में वृद्धि हो सकती है। डेटा संरक्षण को चुनौती, 21वीं सदी में डेटा मुद्रा के समान महत्वपूर्ण है, यानी कि आप सोचिए कि डेटा आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा का यहाँ मतलब ये हो जाता है कि आप सोचिए कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेबिट कार्ड की देख लीजिए, या फिर आपकी चलिए मान लेते हैं आप फेसबुक चला रहे हैं और आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, या व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हैं, किसी से चैटिंग कर रहे हैं, कोई आपकी प्राइवेट बात है और सोचिए वो लीक हो जाए, या फिर कोई लीक करके आपसे पैसा मांगने लगे कि इतना पैसा दीजिए आप तभी हम आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी जानकारी है उसे देंगे हटाएंगे, तो इसी को कह देते हैं आप लोग। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन यहां अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए डेटा संप्रभुता, डेटा स्थानीयकरण और इंटरनेट गवर्नेंस आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है। अब बात करते हैं डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार ने आखिर क्या क्या प्रयास किए हुए हैं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वर्ग की मदद करना है ताकि वे डिजिटल से तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सके, यानी कि आप समझिए कि हर किसी को एक तरह से जागरूक करने की बात की जाए। कम से कम परिवार में एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जो इस सभी के प्रति जागरूक हो।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 प्रत्येक नागरिक को 50 MB पर सेकेंड की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 GB पर सेकेंड तथा वर्ष 2022 तक 10 GB पर सेकेंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना। लेकिन अभी तक आपने देखा है इस तरह की कोई सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी। राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना, ऐसे क्षेत्र में जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, डिजिटल संचार के लिए $100 बिलियन का निवेश आकर्षित करना। फिर आपकी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया गया है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के साथ समन्वय भी कर रहा है। व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण विधेयक 2019, भारत सरकार ने भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था। विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जहां विधेयक में शामिल बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एक व्यापक कानून है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहित और उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स नीति, ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएं पटल पर आती रही। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है। यह नीति घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों को भी ध्यान में रखती है, साथ ही ऑनलाइन बाजार को उनके लिए बराबरी का क्षेत्र बनाना चाहती है। अब इसमें लास्ट में आगे की राह क्या हो सकती है तो उसे भी देख लीजिए। आपचलित कानून का निराकरण, भारत के डिजिटल अनुपयोग आपचलित कानून द्वारा शासित होते हैं जो वर्तमान डिजिटल परिदृश्य के संदर्भ में अनुपयुक्त हो चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 व्यवसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि आधुनिक डिजिटल अनुपयोगों या प्लेटफॉर्म के लिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग दादा आदम जमाने के कानून यूज करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। आप सोचिए सन 2000 में कुछ और परिस्थिति थी, उसके लिए वो कानून बनाया गया था, उसी को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कानूनों में भी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बनाना होगा। इसी प्रकार कॉपीराइट अधिनियम जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में उपस्थित अधिकांश कंटेंट के लिए प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रदान करती है को अंतिम बार 2012 में संशोधित किया गया था। इस प्रकार प्रमुख कानूनों को संशोधन करने, उन्हें डिजिटल वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और फिर आपका उपलब्ध अवसर का लाभ उठाना, सरकार को प्रतिबंधित किए गए चीनी उपकरणों के स्थान पर भारतीय उपकरणों के विकास में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसकी तरह हमारे भारतीय स्वदेशी ऐप आ जाए तो आप समझ सकते हैं बेहतर रहेगा। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब की जगह अपना कोई इस तरह का होना चाहिए एप्लीकेशन, और आप सोचिए गूगल की जगह आपका देसी होना चाहिए, विकिपीडिया भी आपका देसी होना चाहिए, देश का फेसबुक, व्हाट्सअप सभी हमारे स्वदेशी होने चाहिए। तो जो भी जानकारी इकट्ठी होगी कम से कम हमारे देश में ही तो होगी, समझ रहे हैं। किसी भी तकनीकी परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, फंड की उपलब्धता और अनापत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा होनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए। चीनी उपकरणों पर हालिया प्रतिबंध भारतीय उद्यमियों के लिए बाजार में उत्पन्न हुई शून्यता को भरने के लिए एक अच्छा अवसर है। तकनीकी दक्ष भारतीय पेशेवरों के बल पर भारत शीघ्र ही विश्व में डिजिटल नवाचार का केंद्र बन सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी कहानी डिजिटल विश्व की, ठीक है। इसमें आपकी भारत पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है।